अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, इट्स जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर में ग्वादर पोर्ट के बारे में बात की, फिर हमने उसी लेक्चर में देखा कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब है। फिर हम दुनिया की जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर हमने बात की लास्ट लेक्चर में, और आज लेक्चर नंबर 93 है, 93 लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में बात करेंगे, और इससे आने वाले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ मलाका या मलाका स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वी आर कमिटेड टू द काज कि आज हमारा 93 लेक्चर है इस चैनल का, और हम इस लेक्चर में आपको बता दूं कि जितना एक जानना जरूरी है आपके लिए इस स्ट्रेट के बारे में, वो मेरी कोशिश है कि आपको इसी वीडियो में वो सारा का सारा मिल जाए। असल चीज़ जो है वो आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ के लाना, उसको कंपाइल करना और उसको आपके सामने प्रेजेंट करना है इस तरह के आपको याद रहे, और यही इस लेक्चर इस चैनल की खास बात है कि आपका आपके हिस्से की जो रिसर्च है वो मैं खुद करूँ और आपके लिए रेलेवेंट कंसाइज इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँ। As an aspirant of competitive examination, you must have these two maps, political maps of Pakistan and map of the world map, ताकि आप refer कर सकें और आप अपने bedroom की जो शुमाली दीवार है उस पर ज़रूर इसको चस्पा कर दें, paste कर दें, लगा दें और refer करते रहें international law में, general knowledge में, या world का जो world geography है या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। तो मैप से चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझी जा सकती हैं, जैसा कि हम इस तरीके से समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की इम्पोर्टेंस क्या है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो लेफ्ट साइड पे देयर इज मेडिटेरेनियन सी, जिसको बहर रूम कहते हैं, इसके नीचे रेड सी है और दरमियान में है सुएज कनाल। सुएज कनाल 1869 में बनाई गई थी और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड कनाल है जो कि दो जो सीज हैं उनको मिलाती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को। एक तरफ इसके इजिप्ट है, इसके फिर रेड सी से आगे आप जाएं तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के दरमियान जो स्ट्रेट है इसको बाबल मंदेब कहते हैं। ये भी स्ट्रेट है, इसका ये अरबी नाम है। और इसके बिल्कुल काउंटर पार्ट अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नज़र आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से आगे जो है गल्फ ऑफ ओमान है, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बिल्कुल दरमियान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर ईरान है और इसके साउथर्न साइड पे दो ममालिक हैं, UAE और ओमान। तो ये बहुत नैरो स्ट्रेट है और इतनी नैरो है कि ये तकरीबन जो बाउंड्री कंट्रीज हैं उनके ये टेरिटरीज में, उनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनका ये काफ़ी हिस्सा जो है वो उसमें आ जाता है। यानी इंटरनेशनली जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक ये जो बाउंड्री कंट्रीज हैं वो अपना राइट जो है इसके ऊपर डिक्लेयर करते हैं कि हमारा राइट है इस स्ट्रेट के ऊपर। और ये पर्शियन गल्फ और रेड सी के दरमियान, यानी पर्शियन गल्फ और आगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और ओमान, नीचे अरेबियन सी, ये सारा जो पेनिनसुला है ये अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। एक तरफ इसके रेड सी है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, एक तरफ पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, ऊपर गल्फ ऑफ ओमान है, नीचे अरेबियन सी है। तो ये जो बाउंड्री है इसके अंदर अंदर सारा का सारा जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की तरफ आते हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को मिलाती है गल्फ ऑफ ओमान से। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत नैरो पैसेज है, ऊपर इसके ईरान है, नीचे UAE और ओमान है, और ये पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसके काफ़ी करीब वाकया स्ट्रेट है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में बात करेंगे।
इस लेक्चर में हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो हम जानते हैं. इट इज़ द ओनली पैसेज फ्राम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन सी, यानी कोई और समंदरी रास्ता अवेलेबल नहीं है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट्स, मतलब ये है चोक पॉइंट से मुराद होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली किसी इंफीरियर मिलिट्री को किसी सुपीरियर मिलिट्री के खिलाफ एज हासिल हो. तो यहाँ पे अगर कोई इंफीरियर मिलिट्री भी इस जगह पे काबिज हो जाए और इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो वह एक बहुत भरपूर स्ट्रांग मिलिट्री अपोनेंट के खिलाफ काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, इसलिए इसको वर्ल्ड सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट भी कहा जाता है. इसकी लेंथ और वेट्स जो है, इसकी लेंथ जो है वो 90 नॉटिकल माइल्स है जो 157 किलोमीटर बनते हैं. समंदरी पानी की हदूद में जो लेंथ की यूनिट होती है उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं, और इसकी जो विड्थ है ये 52 नॉटिकल माइल्स है यानी 96 किलोमीटर, और ये वेरी करती है. ज़्यादा बड़ी विड्थ 52 है, कम से कम 21 नॉटिकल माइल्स है, और 21 नॉटिकल माइल से मुराद 39 किलोमीटर है. यानी इट्स नैरोएस्ट पॉइंट जो है ये इतनी नैरो हो जाती है एक पॉइंट पे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है कि ये 39 किलोमीटर तक रह जाती है. और जब ये 39 किलोमीटर तक बच जाती है तो ये इसमें जो जहाज़ गुजर रहे होते हैं, ऑयल टैंकर्स, ऑयल शिप्स जो ऑयल कैरी कर रहे होते हैं, गैस कैरी कर रहे होते हैं, वो उनकी शिपिंग लाइंस बहुत करीब करीब आ जाती हैं और ये बिल्कुल जैम पैक्ड हो जाती है. ये एक जैम पैक्ड रूट है ऑयल का, एनर्जी का, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. अब हम इसकी बात करते हैं सिग्निफिकेंस की. जनरली ये जो फिगर्स हैं ये हमने राउंड अबाउट फिगर्स लिए हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद लिए हैं. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एंड 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन पासेस थ्रू द स्ट्रेट. 1/3 ऑफ द LNG कंजम्पशन और 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल यहाँ से, यानी ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन उसका 25% जो है वो इस स्ट्रेट से गुजरता है. इससे आप इसकी अहमियत का नज़र लगा सकते हैं. हाईली इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. 2018 के फिगर के मुताबिक द एवरेज नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल एंड अदर पेट्रोल लिक्विड्स पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेट वाज अबाउट 21 मिलियन बैरल्स पर डे. और ये इतना बड़ी ट्रेड है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से 16 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल गुजरते हैं पर डे, और स्वेज कनाल से 5.5 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल डेली गुजरते हैं, और एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर्स. सो ये फिगर्स आपने याद रखने हैं. इन कंपैरिजन ये सबसे अहम है, यानी ये जो फिगर है ये बताता है कि ये जो स्ट्रेट है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो स्वेज कनाल और स्ट्रेट ऑफ मलाका से भी ज़्यादा है. दिस इज़ अबाउट 21% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड डेली ऑयल कंजम्पशन. इसको 1/3 कह, 1/4 भी कह सकते हैं, 1/5 भी कह सकते हैं. 1/3 ऑफ द सी ट्रांजिटेड ऑयल ऑन अर्थ ट्रेवल थ्रू द स्ट्रेट. जितना ऑयल समंदर के जरिए ट्रेड होता है उसका 1/3 यहाँ से जाता है. कुछ ऐसा ऑयल भी है जो ज़मीनी रास्ते से या पाइपलाइन के जरिए जा रहा होता है. जो ट्रेड ऑयल की ट्रेड समंदरी रास्ते से हो रही है जिस ऑयल की, उस ऑयल का 1/3 इस ट्रेड से गुजरता है. 2018 के फिगर के मुताबिक दुनिया का जो क्रूड ऑयल है जो कि इस ट्रेड से गुजरा, उसका इस ट्रेड से गुजरने वाले तमाम क्रूड ऑयल का 76% जो है वो एशिया में गया. ज़्यादातर ये जो ऑयल था ये 5 कंट्रीज में गया, चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये इसके बेनिफिशरीज हैं. यहाँ से आप नज़र लगा सकते हैं कि चाइना ने जो ऑयल जहाँ से गुजारना है उसी के लिए वो सी पैक बना रहा है जिससे वो रूट अपना काम करेगा. ये हमने
पिछले लेक्चर में बात की है, इसलिए ग्वादर पोर्ट की अहमियत है और इसीलिए सीपैक की अहमियत है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या क्या है। सऊदी अरेबिया हैज कंस्ट्रक्टेड एन ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन दैट कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 5 मिलियन बैरल्स पर डे। दिस पाइपलाइन कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद द रेड सी। यानी कहां 20 मिलियन बैरल पर डे और कहां 5 मिलियन, तो ये तो उसका चौथा हिस्सा बनता है। तो पाइपलाइन बिछाई गई है लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है जो ट्रेड ऑयल की हो रही है थ्रू दिस ट्रेड समुद्री रास्ते से, वो बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले में पाइपलाइन के जरिए कम है उसकी स्पेस। इट आल्सो हैज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट कैन ट्रांसमिट द इक्विवेलेंट ऑफ 3 लाख बैरल्स पर डे। यूएई ने भी एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की है जो कि ऑयल ट्रांसपोर्ट करेगी डायरेक्टली टू द गल्फ ऑफ ओमान बाईपासिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी आप ये देख सकते हैं कि यूएई का जो कंट्री है ये डायरेक्ट ही गल्फ ऑफ ओमान में डालेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं ये ममालिक, ये भी समझने की जरूरत है कि ईरान का कंट्रोल, अगर ईरान यहाँ पे इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है क्योंकि ईरान की प्रॉक्सिमिटी में है, और कोई ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है, इशू बन जाता है, ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है, तो इनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे इन्होंने अपनी पाइपलाइनें बिछाई हुई हैं कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सके। लेकिन फिर भी उसकी जो कैपेसिटी है कम है क्योंकि अदरवाइज 20 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे गुजर रहा है और पाइपलाइन के जरिए बमुश्किल 5 मिलियन बैरल ऑयल, या फिर हमने गैस का देखा तो ये जो है ये भी बहुत कम है। यानी जो सॉरी ये जो हमने यूएई का देखा तो इट दिस पाइपलाइन कैन पंप अप टू अराउंड 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, तो ये भी बहुत कम है। ऑयल इसको ये दूसरी स्लाइड दूसरे बुलेट पॉइंट है इसको इसमें दिस पाइपलाइन कैन पंप अप टू 1.5 बिलियन नहीं है मिलियन है मिलियन बैरल्स पर डे। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैव कंस्ट्रक्टेड अदर पाइपलाइंस एज वेल बट दे आर लेस इफेक्टिव बिकॉज दे क्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और वहाँ पे अक्सर ममालिक के आपस में इख्तलाफात हैं, लिहाजा वो जो उसका ट्रांजिट जो उसके ऊपर काफ़ी सारे क्लैशेज हैं। अब इसकी हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। इट इज सो नैरो दैट दिस स्ट्रेट लाइज इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द बाउंड्री कंट्री, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। एनी कंफ्लिक्ट अमंग द बाउंड्री कंट्रीज मे हैव एडवर्स रिपरकशंस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड बीइंग कैरीड थ्रू दिस स्ट्रेट, जैसा कि बहुत दफा वाकयात ऐसे हो चुके हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। रूट फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स पासेस थ्रू टू सिग्निफिकेंट स्ट्रेट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्टेट ऑफ मलाका। अगर ये आयल ने जाना हो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में तो फिर स्टेट ऑफ मलाका से भी गुजरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ दिस स्ट्रेट इन जियोपॉलिटिक्स। दिस इज द मेन रूट फॉर ईरानियन आयल एक्सपोर्ट्स। आयल मेक अप 2/3 ऑफ ईरान एक्सपोर्ट्स, यानी अराउंड 60-70% जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान की वो आयल की एक्सपोर्ट्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खास सिग्निफिकेंस है इन ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब भी यूएस ने सैंक्शन लगाई और दुनिया के ममालिक को रोका कि ईरान से ट्रेड ना करें, ईरान ने हमेशा धमकी दी है कि अगर आपने हमारी एक्सपोर्ट्स बंद की तो हम आयल को पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे। ईरान है थ्रेटन्ड ऑन ए नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट इफ द यूएस ट्राइज टू ब्लॉक ईरानियन एक्सपोर्ट्स नो आयल कैन बी एक्सपोर्टेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ से मुराद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। द यूएस हैज वार्न्ड ईरान दैट क्रॉसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए रेड लाइन दैट वुड प्रोवोक एन अमेरिकन रिस्पांस। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे मौकों पे ईरान धमकी दे चुका है और यूएस जो है वो भी उसने भी कदर किया है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम इसको एक एक्ट ऑफ वार तसव्वुर करेंगे, हम ये समझेंगे कि अब जंग जो है वो नागुजीर हो गई है।
तो ये एक एक सेंसिटिव पॉइंट है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. कंट्रीज इन अरेबियन पेनिनसुला आर अलाइड विद द यूएस, मोस्टली जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान, ये यूएस अलाइड है. और ईरान जो है वो आपको पता ही है, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे. ईरान और यूएस टेंशन जो है उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर डिमांड ये टॉपिक करता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन फिलहाल आपको जानना जरूरी है कि ईरान जो है इनकी इन कंट्रीज के साथ इसलिए भी नहीं बने, एक तरफ यूएस अलाइड कंट्रीज हैं और ईरान जो है वो एंटी यूएस है. वन एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड ईरान इज द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्रिटिकल इन सऊदी अरेबिया ईरान कंफ्लिक्ट. सऊदी अरेबिया ईरान के तलाकात अच्छे नहीं है, चूंकि सऊदी अरेबिया प्रो यूएस है, ईरान एंटी यूएस है, और भी बहुत सारे इनके दरमियान इख्तलाफात हैं. तो ये भी एक एक दरमियान में इनकी आपस में जो एक बफर जोन के तौर पे आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, तो इसलिए ये एक अहम पॉइंट है बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड ईरान. अब हम बताते हैं कि 1984 में ईरान और इराक ने एक दूसरे की ऑयल एक्सपोर्ट बंद करने की कोशिश की, और 1984 में टैंकर्स वार हुई थी. इस टैंकर्स वार में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के टैंकर्स पे अटैक किए. तकरीबन 240 टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ, जिनमें से 55 टैंकर ऐसे थे जो डूब गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे. तो ये टैंकर्स वार कहलाती है. यानी ये एक हिस्ट्री बता रहे हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या क्या पहले हो चुका है तारीख में. फिर अप्रैल 18, 1988 हुआ क्या था कि यूएस नेवी वेज्ड ए वन डे ऑपरेशन नेम्ड एज ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस इन एंड अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेंस्ट द ईरानियन फोर्सेस. द यूएस फोर्सेस सैंक वन फ्रेगेट, वन गन बोट एंड सिक्स आर्म्ड स्पीड बोट्स. इन्हें ईरानियन फोर्सेज की ये जो एसेट्स थे तबाह किए. फिर जुलाई 3, 1988 में क्या हुआ, 290 पैसेंजर्स वर किल्ड व्हेन एन ईरान एयरबस A300 वाज शॉट डाउन ओवर द स्ट्रेट बाय द यूएस नेवी व्हेन इट वाज स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज जेट फाइटर. यूएस नेवी ने ईरान का एक त्यारा गिरा दिया, ये समझते हुए कि एक फाइटर जेट है, और हालांकि ये एक पैसेंजर प्लेन था जिसमें 290 मुसाफिर जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे, और ये यहाँ पे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड हुआ था. फिर जुलाई 2019 में एक और सिग्निफिकेंट वाक्या हुआ कि ब्रिटिश टैंकर को ईरान ने कब्जे में ले लिया, जो कि यहाँ से गुजर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. उसकी वजह ये थी कि उससे कुछ दिन पहले बरतानिया ने जो अपनी कॉलोनी थी जिब्राल्टर, उसमें एक ईरान के टैंकर को कब्जे में लिया था जो कि सीरिया जा रहा था. तो उसके रिस्पांस में ईरान ने ब्रिटिश टैंकर को कब्जे में कर लिया. हाउ ईरान कैन मेक दिस स्ट्रेट पोटेंशियली अनसेफ, वन इज द वे थ्रू अटैक्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ सी माइंस, सबमरीन एंटी शिप मिसाइल्स एंड कैप्चर ऑफ the oil tankers, जैसा कि उसने ब्रिटिश टैंकर्स के साथ 2019 में किया. क्या इम्पैक्ट आएगा अगर ईरान ऐसा कुछ करता है या इस स्ट्रेट में, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है, उससे क्या होगा? उससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी पूरी दुनिया में, और जो भी इंडस्ट्री ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है उसके ऊपर नेगेटिव रिपरकशंस आएंगे. And causing any instability could be considered as an act of war by the US and Saudi Arabia. इसके ये geopolitical consequences हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर US और सऊदी अरेबिया जिम्मेदार में आ जाएंगे और खित्ते में एक जंग छिड़ सकती है. ये इतनी important है, इतना sensitive point है Strait of Hormuz international geopolitics में. Now coming to the conclusion, This strait has geostrategic importance. It is the potential flashpoint between the US and Iran and between Saudi Arabia and Iran. It is need of the hour to maintain peace and stability in the region. Otherwise, repercussions could be disastrous.
all players, Iran, Saudi Arabia, US, China, need to act wisely and show restraint in the face of any provocation or misunderstanding. एक बात याद रखें, कोई भी miscalculation, misunderstanding एक बहुत बड़ी जंग का पेशखमा बन सकती है. लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट और एहतियात की ज़रूरत है इस पॉइंट पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में. थैंक्स यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.